हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेट शाला। तो आज के इस वीडियो में मैं मेरे इग्वाना के सभी एनक्लोजर्स दिखाऊंगा जिसमें मैं मेरे इग्वाना को रखता हूँ। ये हर एक सिचुएशन के हिसाब से है, जैसे कि जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ तो उसके लिए कौन सा इन्क्लोजर है, नाइट टाइम के लिए मैं किस में रखता हूँ, डे टाइम में कहाँ पर रहता है, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं किस तरह से उसे किस एनक्लोजर में रखता हूँ, ये सभी मैं इन्क्लोजर्स उसके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की है और किस तरह से मैंने उसका इन्क्लोजर बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं मेरे इग्वाना के अलग अलग इन्क्लोजर्स। गाइस देखिए, ये है मेरे टीरेक्स का सबसे पहला इन्क्लोजर जिसमें ये नाइट टाइम में रहता है। ये है उसका फूड बाउल, ये है उसका वाटर बाउल। मैंने वाटर बाउल ज़्यादा बड़ा रखा है क्योंकि ये पानी में पूप करते हैं और ये खुद को सोक भी कर लेते हैं कभी कभी, तो ये वाटर बाउल इसके लिए मैंने बड़ा रखा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है ड्रिफ्ट वुड जो मैंने वाइल्ड से कलेक्ट किया है। इसे कैसे कलेक्ट करना है और कहाँ से कलेक्ट करना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दी है। और ये जो है ये है हीट लैम्प, मैंने उसके ठीक ऊपर लगाया है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है इसे कैसे बनाना है, वो भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके ऊपर मैंने एक मेश का कवर लगाया है जो DIY कवर बनाया है मैंने खुद से, वो लगाया है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए इस तरह का कवर मैंने बनाया है, इसे फोल्ड करके इसका शेप देके। ये है ड्रिफ्ट वुड जो वाइल्ड से कलेक्ट किया है, यह है उसकी वाटर डिश और यह है उसका फूड बाउल। मैंने सबस्ट्रेट में कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही इजी है और हेल्दी भी रहता है, क्योंकि ज़्यादा गंदगी होने से उसमें गैसेस तैयार होते हैं, जो सबस्ट्रेट होता है उसमें अलग अलग गैसेस तैयार होते हैं और ये तुरंत गंदा दिखता है, इसीलिए हम इसे लगातार क्लीन करते रहते हैं। और इसे मैंने मेरे बेडरूम में रखा है तो मुझे इसे लगातार क्लीन करते रहना पड़ता है, नहीं तो ये स्मेल करता है गंदा। तो ये है इसका पहला इन्क्लोजर जिसमें ये नाइट में और जब भी मैं कभी कभी बाहर जाता हूँ तो इसमें रहता है, नहीं तो इसमें ज़्यादा नहीं रहता है। अभी इसके लिए ये इन्क्लोजर बहुत छोटा होने लगा है तो मैं ज़्यादातर इसमें इसे नहीं रखता हूँ। ये जो हीट बल्ब है ये मैं सभी इन्क्लोजर्स के लिए यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैं इसे रखता हूँ ये एनक्लोजर के उस एनक्लोजर के ऊपर मैं ये सेट कर देता हूँ, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। ये DIY है बनाया हुआ, ये हर एनक्लोजर में मैं यूज़ करता हूँ। इसकी साइज़ बड़ी होने के कारण अभी ये इसे छोटा होने लगा है, पहले ये प्रॉपर फिट होता था इसमें, अब ये ग्रोथ हो रही है वैसे ये छोटा हो रहा है। मैं इस एनक्लोजर को इसे सोक करने के लिए भी यूज़ करता हूँ और यही एनक्लोजर में जब भी इसे बाहर रखता हूँ, जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, तो मैं इसे इस एनक्लोजर में रखता हूँ और सनलाइट में रखता हूँ ताकि ये एस्केप ना करे और कोई भी प्रेडिएटर इसके ऊपर अटैक ना करे। इसीलिए फिर ये जो एनक्लोजर है ये अलग अलग कामों में यूज़ होता है। तो चलिए अब देखते हैं मेरा दूसरा इन्क्लोजर। तो ये रहा इसका दूसरा इन्क्लोजर जो मैंने विंडो में लगाया है, ये भी एक ड्रिफ्ट वुड है जो वाइल्ड से कलेक्ट किया हुआ है और उसके ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट लगाया है जो कि बहुत ही नेचुरल लुक देता है इस ड्रिफ्ट वुड को, और इसे ये एरिया बहुत पसंद है, ये दिन भर इसी के ऊपर रहता है। और इसे क्लाइम करने के लिए यहाँ पर एक नेट है इसका यूज़ होता है, इसका भी यूज़ करता है। और ये जो बार है विंडो के इसके ऊपर भी उसे बैठना बहुत पसंद है और ये उसकी सबसे फेवरेट जगह है। मैं इसे नीचे रख के इस तरह से नीचे लेता हूँ तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से बैठता है, तो उसे वो जगह बहुत पसंद है। और यहाँ से विंडो होने के कारण, बाहर प्लांट्स होने के कारण, पेड़ पौधे होने के कारण बहुत ही नेचुरल उसे फील भी आता है।
तो ये दिन भर यहाँ पे रहता है और रात के टाइम जो ग्लास इन्क्लोजर है उसमें मैं रखता हूँ। तो ये बहुत ही क्लासिक लुक देता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है और नेचुरल लुक देता है। अगर आप इसे दूर से भी देखेंगे तो ये बहुत ही वंडरफुल दिखता है। यहाँ पे मैं उसे फीडिंग के लिए मैं वही सेम बाउल यूज़ करता हूँ और उसे अटैच करने के लिए ये मैग्नेट रखता हूँ उसके अंदर, ताकि वो जो बाउल है वो यहाँ पे फिट बैठ सके और जब भी वो टीरेक्स मेरा इग्वाना उसके ऊपर फीड करने के लिए आए तो वो ना गिरे। इसीलिए मैं उसे लगाने के लिए ये नियोडियम मैग्नेट यूज़ करता हूँ जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो बास्किंग एरिया है वो यहीं पे लगा होता है इसके ऊपर ऐसे रेस्ट करके, ताकि वो जब भी चाहे उसके नीचे आके बास कर सके। एक तो वो यहाँ पे लगा होता है या फिर यहाँ पे लगा होता है, ताकि वो जब भी बास करे वो यहाँ पे आके बैठ के अच्छी तरह से बास करता है। अब हम देखते हैं मेरा लास्ट इग्वाना का एंक्लोजर। ये है मेरा इग्वाना का, मेरे टीरेक्स का तीसरा एंक्लोजर जिसमें उसे मैं रखता हूँ। जब भी मैं 2 से 3 या कहीं ट्रिप के लिए जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो मैं इसमें रखता हूँ, क्योंकि मैं उसे बाहर या फिर वो ग्लास एक्वेरियम में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर वो एस्केप कर जाएगा तो फिर कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए मैं इसमें रखता हूँ। मैंने इसके डोर्स भी पैक कर दिए हैं, ये वाला और ये वाला भी पैक कर देता हूँ। बस ये वाला ओपन होता है, यहाँ पे मैं एक तार लगा देता हूँ, ताकि जब भी कोई भी मेरे घर वाले इसे फीड करे तो बस यहाँ से इजीली वो फीड कर सकते हैं और ये तुरंत बंद हो जाता है, तो इससे एस्केप भी नहीं कर सकता है। और ये एंक्लोजर बड़ा भी है तो वो इससे इसमें अच्छे से रह भी सकता है। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया है, बस पीछे स्टोन्स रखे हैं, कुछ स्टिक्स लगाई हैं, और ये जो है ये इसके ऊपर भी बैठना बहुत पसंद है उसे, तो वो इसके ऊपर भी बैठता है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तभी मैं इसे यूज़ करता हूँ, ताकि मेरे घर वाले उसे फीड अच्छे से कर सकते हैं बिना डरे। क्योंकि देखिए, हमें पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर वालों को भी पसंद आएगा आपका पेट, तो उसके हिसाब से भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये है मेरा तीसरा एंक्लोजर जिसमें मैं मेरे इग्वाना को रखता हूँ। और जब भी मैं जाता हूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरा जो मेरा बास्किंग का जो लैम्प है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ताकि वो ईजीली नीचे से बास कर सके। इसमें भी मैंने कोई सब्सट्रेट नहीं यूज़ किया है, देखिए आपको नीचे पूप पड़ी हुई मिलेगी। अभी हाल ही में मैं बाहर गया था, अभी रिसेंट में बाहर जाके आया हूँ, तब भी मैंने उसमें रखा था। उसका जो फूड बाउल है जो ग्लास एनक्लोजर में रखा था वही मैं यूज़ करता हूँ, ताकि वो उसमें पूप ना करे और वो पानी गंदा ना हो और मेरे घर वालों को उसे चेंज करना ना पड़े, तो ऐसी प्रोविज़न करके जाता हूँ। तो यही थे मेरे सारे इन्क्लोजर्स, मेरे टीरेक्स के, मेरे इग्वाना के सारे इन्क्लोजर्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स।